हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइस वी आर ऑन लेक्चर नंबर 18 ऑफ एमसीक्यूज ऑन जनरल साइंस और जो एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली वो यूपीएससी के ही वेरियस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं काफ़ी यूजफुल रहेंगे आप सीडीएस दे रहे हो एनडीए दे रहे हो सी स्टेट सर्विसेज ई जो हमारा प्राइम फोकस है अभी हर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे और क्वेश्चन को करते समय एक चीज़ का ध्यान और आपने रखना है कि क्वेश्चन को देख करके उसको समझ करके पहले खुद जो है उसको आंसर करने की कोशिश करें एंड उसके बाद सॉल्यूशन उसका देखें उससे क्या होगा एक आइडिया आपको ये भी लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल के ऊपर है ठीक है आपको एक माइन्यूट सी फीस पे करनी होती है फॉर दीडीएफ फाइल दिस इज जस्ट फॉर दीरियसनेस ओके इसके अलावा आप एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स को जरूर एक्सप्लोर करें एक फ्री टेस्ट भी डला हुआ है uh, जिसमें से कॉम्बो कोर्स के ही टेस्ट uh, हैं ओके okay, उसको देख लें पहले और उसके बाद ये कोर्स को जरूर देखें इसके अंदर पीडीएफ भी आपकी ऑटोमेटिकली आ जाती है जो यूट्यूब की है तो आपको अलग से उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है एंड अभी 50 ऑफ चल रहा है इफ यू यूज द कोड यूपीएससी ईपीएफ सो यू शुड लुक आउट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स देखो ये आपका पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है

अ फ्यू सेकेंड कर दोगे करेक्ट आंसर दोस्तों यहां पर आपका होगा ऑप्शन डी विटामिन विटामिन के के विल बी द राइट आंसर अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे अब ये जो विटामिन का टेबल मैं आप लोगों को दे रहा हूं ना इसको अपने फोन में रख लो पीडीएफ डाउनलोड करके फोन में रख लेना जिन्होंने पीडीएफ की सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी है वो इसके स्क्रीनशॉट लेकर फोन में रख लें और ये जब तक याद ना हो जाए तब तक बस में चलते ट्रेन में चलते जहां पर भी घर वाले जबरदस्ती ले गए वॉशरूम में भी तुम सब लोग फोन लेकर के जाते हो तो वॉशरूम में इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने की जगह ये खोल के बैठ जाओ ओके सो so, अल्टीमेटली अब देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है हमने विटामिन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एक सबसे पहले फैट सोल्यूबल विटामिन ओके अब फॉर एग्जाम्पल वो आपसे क्वेश्चन में पूछ ले विच फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन सबसे पहले ओके अब हम देखेंगे इसके सोर्स विटामिन ए के सोर्सेस क्या क्या है कहां, -कहां से आपकी बॉडी को विटामिन ए मिल सकता है अगर आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो आपको क्या कुछ खाना है दूध पीना बटर एग कैरेट आपने देखा होगा ना कैरेट बेसिकली आईज जब आपकी आंखें कमजोर हो जाती है तो आसपड़ो की आंटियां क्या बोलती हैं गाजर खाया घर ठीक है पंपकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सब अच्छे सोर्स हैं विटामिन ए के ओके क्यों जरूरी है एक तो देखो जी नॉर्मल uh, ग्रोथ के लिए ह्यूमन बॉडी की इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा आपकी आंखों और स्किन को ये हेल्दी रखता है आंखों और स्किन को हेल्दी रखता है अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है किसी की डाइट के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एक तो नाइट ब्लाइंडनेस और दूसरी होती है इररेगुलर ग्रोथ ऑफ टिथ नाइट ब्लाइंडनेस तो फिर भी बड़ा इजी सा एक पॉइंट है जनरली सबको पता होता है अब फॉर एग्जाम्पल वो आपको दे देता है इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टिथ इज ड्यू टू द ऑफ डेफिशिय विटामिन अच्छा क्वेश्चन बन जाता कि नहीं बन जाता फिर आ जाओ विटामिन डी विटामिन डी भी आपको मिल्क प्रोडक्ट्स में से मिलेगा जैसे चीज बटर मिल्क ग्रीन वेजिटेबल्स फिश लिवर ऑयल सनलाइट सनलाइट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी ओके अब विटामिन डी क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी बोन्स और दांतों के लिए आपके अंदर अगर विटामिन डी अच्छा है तो आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी और तित्त अच्छे रहेंगे डेफिशिएंसी डिजीज बोन से रिलेटेड या रिकेट्स और जैसे जिन लोगों की डाइट में विटामिन डी कम होता है ना उनकी बॉडी बहुत पेन करती है ठीक है बार-बार ओके उसके बाद विटामिन ई e, विटामिन ई e आपको देखो मिलता है वेजिटेबल ऑयल में से स्पिनच में से लेट्यूस टर्निप लीव्स बटर मिल्क होल ग्रेन्स नट्स सीड्स लीफी वेजिटेबल्स ये सब सोर्स हैं आपके विटामिन ई e के और विटामिन ई e इंपॉर्टेंट क्यों है एक तो ये सेल मेंब्रेन को प्रोटेक्ट करता है दूसरा ह्यूमन बॉडी के अंदर ये रेड ब्लड सेल्स को फॉर्म करता है ठीक है रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है विच अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन ई की डिफिशियंसी uh, से क्या डिजीज होता है वो अभी तक हमारे पास कोई खास कंफर्मेशन नहीं है ये देखो ये स्ट्रिक्टली ये जो टेबल मैं आपको पूरे का पूरा करा रहा हूँ ना ये पूरे का पूरा टेबल मैंने एनसीआर से ही इसका स्क्रीनशॉट लगा करके यहाँ पे आपको पीछे दिख भी रहा होगा एनसीआरटी नॉट टू बी रिपब्लिश ओके okay. तो ये से एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है मैंने खुद नहीं बनाया है इसको विटामिन के विटामिन के देखो आपका कैबेज में होता है कॉलीफ्लावर स्पिनेच लीफी वेजिटेबल्स सीरियल्स सोयाबीन के अंदर आपका विटामिन के होता है अगेन इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि ये आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ठीक है और अगर आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है प्रॉपरली तो आपको अगर कभी चोट लग जाएगी तो आपकी एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी खून रोकने में बेसिकली आपका विटामिन के हेल्प करता है जब आपको कोई इंजरी हो जाती है अब फैट सोल्यूबल विटामिन के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं वॉटर सोल्यूबल विटामिन ठीक है अब वॉटर सोल्यूबल विटामिन में देखो क्या क्या है सबसे पहले विटामिन बी वन जिसको आप थैमिन भी बोलते हो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कई बार वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा दैट दिच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज थैमिन ओके ऑप्शन ए विटामिन बी वन ऑप्शन बी विटामिन बी टू ऑप्शन सी विटामिन बी थ्री ऑप्शन डी विटामिन बी ट्वेल्व हो गया कि नहीं हो गया क्वेश्चन है और आंसर क्या होगा फिर आपका विटामिन बी वन थायमिन ओके अब इसमें ये आपको कहां से मिलता है सी फूड ठीक है जैसे फिश क्रैप्स वगैरह मिल्क मीट पीज सीरियल्स ग्रीन वेजिटेबल्स ओके इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि ये आपको हेल्प करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में बॉडी एंड माइंड के साथ ही साथ ये कार्बोहाइड्रेट्स में से एनर्जी रिलीज करने में काफी हेल्पफुल होता है विटामिन बी वन की डेफिशिय बेरी बेरी जैसे डिजीजेस जो है वो हो सकते हैं विटामिन बी टू विच इज ऑल्सो राइबोफ्लेविन ये आपको एग मीट यीस्ट और पीज से मिलता है ये बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है रेड सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है एंड अगेन कार्बोहाइड्रेट्स में से एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करता है इसकी डेफिशिएंसी से स्किन डिजीजे हो सकते हैं और इमप्रॉपर ग्रोथ या रिटार्डेड ग्रोथ की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है विटामिन बी थ्री ऑल्सो कॉल्ड एज नाइसिन सीरियल्स टोमेटो पोटेटो मीट एंड फिश हेल्दी स्किन के लिए अच्छा कंसीडर किया जाता है बी को डाइजेशन को अच्छा रखता है नर्वस सिस्टम को अच्छा रखता है डिजीजेस क्या हो सकते हैं पेलेग्रा जो बेसिकली स्किन डिजीज है एक या फिर आपका जो एलिमेंट्री कनाल है नर्वस सिस्टम है उसमें भी प्रॉब्लम यह क्रिएट कर सकता है विटामिन बी ट्वेल्व आपको लिवर मिल्क एग्स फिश से बेसिकली मिलता है एंड आरबीसी फॉर्मेशन फॉर्मेशन के के अंदर के अंदर रेड ब्लड सेल्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है और इसकी डेफिशिएंसी से आपको अनिमिया हो सकता है ये भी क्वेश्चन एक बार एक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अनीमिया जो है किस विटामिन की डेफिशियंसी से होता है और यूपीएससी के ही एग्जाम में पूछा गया है ठीक है यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया ओके उसके बाद विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी आपका जो आंवला होता है ना आंवला मुरब्बा भी बनता है आमला जो उसको इंडियन गूजबेरी बोलते हैं इंग्लिश में तो आंवले से आपको मिलता है विटामिन सी लेम जो नींबू होते हैं लाइम पाइन एप्पल ऑरेंजेस वाटरमेलन ग्रीन पेपर टोमेटो कैबेज ट्यूर्नेप कैरेट ग्रीन मिंट गुआवा ये सब आपके विटामिन सी में रिच होते हैं ये लिगामेंट्स की मेंटेनेंस में, में टेंडन की मेंटेनेंस में जो सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं उनकी मेंटेनेंस में ब्लड वेसल्स को अच्छा रखता है ओके okay? इनकी डेफिशिएंसी से आपको स्कर्वी की प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें इंसान के जो गम्स होते हैं ना जो हमारे मुंह के अंदर गम्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं और ब्लीड करना शुरू कर देते हैं तो स्कर्वी की प्रॉब्लम विटामिन सी से होती है बहुत कुछ बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्कर्वी किस डेफिशियंसी से होता है तो पता होना चाहिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट बी प्रोटीन सी फैट डी न्यूक्लिक एसिड ओके सो आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन एल राइट तो ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है ओके okay. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है अब तीन मेजर कैटेगरीज होती है कार्बोहाइड्रेट की एक होती है आपकी स्टार्च दूसरी होती है शुगर और तीसरी होती है सेल्यूलॉस ये याद रखना क्वेश्चन पूछ सकता है वो डायरेक्टली की विच फॉलोइंग इज अ मेजर कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ओके अब जो हमारा शरीर है वो शुगर और स्टार्च को ब्रेक डाउन कर सकता है इनटू ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी सेल्यूलॉस अंदर के अंदर कोई एस न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती बट ये काफी मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर होता है इन द डाइट्री फाइबर और जो बॉडी के अंदर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है उसको फैट में कन्वर्ट वो हो जाता है वो और वो कौन करता है लीवर करता है ओके okay? या फिर बॉडी के जो एडिपोस्ट टिश्यूज हैं उसके अंदर वो स्टोर हो जाता है तो मोटी मोटी बात आपने कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो याद रखनी है वो क्या है कि जो ग्लूकोज है दैट इज अ टाइप ऑफ

थर्ड क्वेश्चन द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म ये तो वो आपको एक तरीके से सिखा रहा है बता रहा है इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है अब आपसे क्या पूछ रहा है इट इज कम्पोज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कम्पोज ऑफ वो क्वेश्चन अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं ना ये क्वेश्चंस के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी अच्छे से समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में से वो फर्दर क्वेश्चन बना करके पूछ सकता है ठीक है अब जैसे वो पूछ ले अमंग द द फॉलोइंग इज कॉल्ड लिविंग कंटेंट ऑफ सेल ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा है ना तो प्रोटोप्लाज्म आपका किसका बना है बेसिकली साइटोप्लाज्म ओनली साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म ओनली साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनलीज ओके आंसर इसका है ऑप्शन डी अब देखो अगर आप एनसीआरटी पढ़ोगे ना तो एनसीआरटी में सोल्यूशन कुछ इस तरीके से गिवन है द द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज इट साइटोप्लाजम न्यूक्लियस ठीक है साइटोप्लाजम एंड द न्यूक्लियस तो आपको सर आंसर तो बी होना चाहिए लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंट अलग अदर ऑर्गेनिज और भी होती हैं जो एनसीईआरटी के अंदर दो मेंशन नहीं है अगर आप ये ऑफिशियल आंसर की देखोगे जिस पेपर में से ये क्वेश्चन लिया गया है वहां पर भी आपको आंसर इसका डी मिलेगा तो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनल्स विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब अ मायोपिक पर्सन हैज अ पावर ऑफ माइनस -1.25 डायोप्टर व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ हिज लेंस इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछ रहा है एक तो अगर किसी को मायोपिया है तो वो किस टाइप का लेंस यूज करेगा और उस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा नेचर और फोकल लेंथ पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं नेचर की तो देखो जी मायोपिया अगर किसी को है तो आंसर मैं आपको इसका बता देता हूं आंसर होगा इसका ऑप्शन डी 80 सेंटीमीटर एंड कंकेव लेंस अब हम बात करेंगे सबसे पहले मायोपिया की और फिर हम इसके सोल्यूशन के ऊपर आएंगे देखो मायोपिया बेसिकली क्या है इसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं सबसे पहली बात याद रखनी है मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया क्वेश्चन पूछता ही पूछता है वो इसके अंदर होता क्या बेसिकली आपको पास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं नियर बाई ऑब्जेक्ट तो है क्लियरली दिखेंगे बट दूर जो है चीजें थोड़ी वो आपको क्लियरली नहीं दिखेंगी इसके अंदर बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि मायोपिया जब किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें क्या हो रहा है जो फार पॉइंट है ना जो हमें क्लियरली नहीं दिख रहा

अब देखो हर किसी का नंबर होता है चश्मे का तो उससे पता चलता है कि हमें कितने पावर का जो लेंस है वो चाहिए ठीक है उसी से हमें पता चलेगा अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है हमें अब हम दोबारा से क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं तो अब क्वेश्चन के अंदर अपने को ये पता चल गया कि अपने को कंकेव लेंस चाहिए तो ऑप्शन ए और बी तो हट गए ठीक है अब पावर का ना एक फॉर्मूला होता है पावर को कैलकुलेट करने का पावर इज इक्वल टू हंड्रेड बाई एफ एफ होता है आपका फोकल लेंथ अब इस क्वेश्चन के अंदर पावर मेरे को गिवन है पावर हम डायऑप्टर में रिप्रेजेंट करते हैं तो पावर मेरे को कितनी गिवन है माइनस वन पॉइंट टू फाइव इक्वल टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन पॉइंट टू फाइव ओके अब अगर आप हंड्रेड को डिवाइड करके देखोगे 1.25 से तो आपका आंसर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर ठीक है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन डी होना चाहिए तो ये थोड़ा सा नोट डाउन करके रख लोगे ठीक है मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज ऑप्शन ए बर्निंग ऑफ पेपर ऑप्शन बी मैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन ऑप्शन सी डिजोल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वॉटर एंड ऑप्शन डी इज प्रिपरेशन ऑफ आइस क्यूब फ्रॉम वॉटर इनमें से क्या केमिकल चेंज है करेक्ट आंसर इसका दोस्तों होगा ऑप्शन ए बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज अब देखो किसी भी चेंज को केमिकल चेंज हम क्यों बोलते हैं ठीक है क्योंकि उस के अंदर डेफिनेटली जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है केमिकल चेंज में क्या हो रहा है स्टेट चेंज हो रहा है अब जो कंबर्शन का प्रोसेस है बेसिकली जब आप आग लगा रहे हो किसी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वहां पर आपका केमिकल चेंज होना होना ही हुना है ओके okay? क्योंकि इसके अंदर डेफिनेटली जब आप पेपर को जलाते हो ठीक है तो उस समय पे क्या होगा पहले वो पेपर सॉलिड स्टेट के अंदर है सॉलिड स्टेट में चेंज होने के बाद वो एक तरीके से लिक्विड स्टेट के अंदर आएगा जब आप पेपर को जलाओगे एंड अल्टीमेटली इट विल कम इन टू दैसियर स्टेट तो स्टेट भी चेंज हो रही है ओके okay? पहले वो एशीज के अंदर चेंज हो रहा है उसके बाद वो और जो धुआं निकल रहा है दैट इज योर फ्यूम्स ओके सो इस वजह से यहां पर जो बर्निंग ऑफ पेपर है दैट इज कंसिडर्ड एज योर केमिकल रिएक्शन ऑलरेड ग साथ दोस्तों इस लेक्चर को यहां पर खत्म करेंगे आशा करता हूँ सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा पीडीएफ इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम कर सकते हैं व्हाट्सएप करें मेल करें कमेंट करें ओके एंड चैनल को जरूर शेयर करें सी इन द नेक्स्ट क्लास टेक केयर एंड बाय